स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। हेमल है ना, मुझको एक चिट्ठी देकर चला गया और बोला कि ये चिट्ठी दे देना। किसको देना ऐसा बोला ही नहीं है, इसलिए मैं इन सब लोग को पासिंग द फार्सर खिला रहा हूँ। तो जो जीतेगा चिट्ठी उसको मिलेगी। कैसी चिट्ठी? वो जो हेमल रोते रोते लिख रहा था। क्यों समझ लेना कि मैं कभी आप लोगों की जिंदगी में था ही नहीं। मैंने अपने कबर्ड में गुड़िया के लिए भी एक लेटर छोड़ा है, उसे कहना पढ़ ले, और साथ में ये भी कहना कि मुझे कभी माफ ना करे, जो कभी आपका और इस घर का ना हो सका। यार रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो। वाह, तुम्हारे बचपन का खिलौना तुमने अब तक संभाल के रखा है। जानती हो, जब मैं छोटा था ना, शायद 4 या 5 साल का, तब मुझे जो भी खिलौना मिलता ना, तो मैं उसे तोड़ फोड़ के साइड में कर देता। सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं, लेकिन मेरा बचपन 12 साल की उम्र से शुरू हुआ। पा मेरे लिए पहले भी कोई डॉल खरीद सकती थी, लेकिन 12 साल की होने के बाद ही मैंने बा को ये डॉल खरीदने के लिए हाँ कहा। तब तक मैं मना करती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि हमें डॉल को भी खाना खिलाना पड़ता है। और वो दिन ऐसे थे कि बात थाली लेके दूर वहाँ खाना खाने की एक्टिंग करती थी, ताकि उनके हिस्से का खाना गट्टू खा सके। फिर मैं जाके बा से कहती, बा मैं कुएं में नहाने गिरूं? तो बा कहती थी, ना। उनका मुंह खुलता और मुझे दिखता था कि अंदर निवाला तो है ही नहीं। फिर बा समझ गई कि मैं चेक करने के लिए ऐसी बातें करती हूँ, तो बा ने ना के बजाय ऐसा करना शुरू किया। लेकिन मैं जानती थी कि बा एक्टिंग कर रही है। गरीबी एक पल में बच्चों को बड़ा कर देती है। मैंने सोचा डॉल आएगी तो खाना और बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने डॉल के लिए तब तक हाँ नहीं कहा जब तक हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हुए। तुम मेरी समझ के बाहर हो बेबी। एक तरफ इतनी सयानी और दूसरी तरफ इतनी बुद्धू। ऐसी ही हूं मैं, तकलीफ में मैं जिद नहीं करूंगी इतनी सयानी हूँ, लेकिन इतनी बुद्धू भी हूँ कि प्यार तो हीरे की साइज से ही तोलूंगी। चलेगा तो सगाई करते, वरना डायरेक्ट शादी। पहला निवाला इसे खिलाया जाता था। उदावरी, ये हेमल की सगी न हुई तो क्या हुआ? सच्ची मां तो है ये साबित करने के लिए बेईमानी करती थी बेचारे प्रवीण के साथ। तू मेरा खून नहीं है, ये तूने साबित कर दिया। तू मेरा बेटा नहीं है। अगर आप में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना हेमल भाई, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जल्दी 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 जल्
आउट है। गट्टू काका, मैं सोच रही थी कि ये बॉल मैं आपको गिफ्ट में दे दूं। गिफ्ट? पर अब तो आपने मुझे आउट कर दिया है ना, तो अच्छा तो चलेगा, तू नॉट आउट। अरे क्या गट्टू काका, नॉट आउट? ये आप ही का बॉल आपको गिफ्ट कर रही है। अरे हाँ, ये तो मेरा ही बॉल है। चेताली लुच्ची, तू आउट है। हाँ तू आउट, चेताली तू आउट। आज शाम को मेरी सगाई और तुम लोग तैयारी करने के बजाय खेल रहे हो। पर सगाई तो शाम को है ना। अरे लेकिन, अरे बेबी फई, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? हम आपसे पहले तैयार होके आ जाएंगे। सिर्फ हेमल नहीं होगा, वो ना ही हो तो अच्छा है। एक मिनट बेबी, गट्टू हेमल भाई नहीं होंगे मतलब? तुम लोगों को क्या लगता है हम लोग इधर टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं? तो अरे यार, हेमल है ना, मुझको एक चिट्ठी देकर चला गया है और बोला कि ये चिट्ठी दे देना। किसको देना ऐसा बोला ही नहीं है, इसलिए मैं इन सब लोग को पासिंग द फार्सर खिला रहा हूँ। तो जो जीतेगा चिट्ठी उसको मिलेगी। कैसी चिट्ठी? वो जो हेमल रोते रोते लिख रहा था और ऐसा बोला कि मैं प्रवीण भाई का किया वेस्ट में नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम लोग ईस्ट में रहते हैं ना इसलिए, और वो ऐसा ही कुछ करने जा रहा है। याद आया क्या? हटू वो चिट्ठी का है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आप लोगों से नजर मिलाऊं। मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि आप लोगों से क्या माफी मांगूं? मैं खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये साबित करना चाहता था कि मैं बाकी भाइयों की तरह सगा हूं सकता, पर जो रिश्ता था वो भी टूट गया। सगा नहीं था फिर भी बाकी गोद में सर रखे बा का प्यार भरा हाथ सबसे पहले अपने सर पे लेने का खो दिया मैंने। और बिना रिश्तों के जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सो मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को आखिरी बार चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है मुझमें। मेरा चेहरा, मेरी सारी बातें दिल से निकाल देना। क्यों समझ लेना कि मैं कभी आप लोगों की जिंदगी में था ही नहीं। मैंने अपने कबर्ड में गुड़िया के लिए भी एक लेटर छोड़ा है, उसे कहना पढ़ ले, और साथ में ये भी कहना कि मुझे कभी माफ ना करे जो कभी आपका और इस घर का ना हो सका। हेमल भाई, अनंत पे क्या लगता है तुम्हें, कहाँ गया होगा मेरा हेमल? देखिए गोदावरी आंटी, ऐसे केसेस में लोग अक्सर, मेरा मतलब है हेमल जाएगा ही, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कहाँ जाएगा, क्या मतलब है तुम्हारा? ब्रांच पे कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि हेमल ने खुदकुशी? नहीं, हेमल ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता वो। बाप, वो तो पहले भी ऐसा ही कदम उठाने वाला था, वो तो उस वक्त मैंने उसे रोक लिया था, लेकिन आज उसे रोकने वाला कोई नहीं है, वो अकेला पड़ गया है, अकेला कर दिया तुमने उसे। प्रवीण भाई, परांश पे बताना कहाँ ढूंढे हैं हेमल को, कहाँ से शुरुआत करें? एक मिनट, सबसे पहले तो आप लोग मेरी बातें सुनके पैनिक मत हो प्लीज। ऐसे केसेस में लोग अक्सर रेल की पटरी पर जाते हैं या समंदर किनारे या तो किसी पहाड़ी पर जा सकता है। नहीं, पहाड़ी पे वो नहीं जा सकता, उसे ऊंचाई से डर लगता है। रेलवे ट्रैक पे जा सकता है। Yes, quite possible. और मैंने सारे रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया है
कि अगर ऐसी कोई भी खबर इनके साथ ही है, मतलब तुम्हारा ये कहना है परांजपे कि मेरा बच्चा पहमले से रेलवे की पटरी पर चल रहा हो या स्टेशन पर चल रहा हो तो उसे वहाँ कोई रोक नहीं सकता? रोक सकता है ना वहाँ कोई? नहीं आंटी, ऐसे नहीं। अगर वो स्टेशन पे जाए तो उसके हुलिये से पहचान के हम उसे रोक सकते हैं, पर जरूरी नहीं है ना कि वो स्टेशन पर ही जाए। और एक सच बात कहूँ आप लोगों से, हेमल को रेलवे ट्रैक पे ढूंढना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मुंबई का रेलवे ट्रैक 60 किलोमीटर लंबा है, वो बीच में ही अगर कहीं जी। डूब मरी है। बस बेबी। आई मीन इट। अगर आप में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना हेमल भाई, तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बस बस बस, अब रोना बंद कर बेबी, रोना बंद कर, रोने से कुछ नहीं होने वाला। और तू माने या ना माने, इसमें कसूर तेरा और बापूजी का ही है। अचानक क्या क्या सुना दिया बेचारे हेमल को। बापूजी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने नाटक में जितने डायलॉग्स नहीं बोले थे, उतने सारे डायलॉग्स बेचारे हेमल को सुना दिए। और तू भी मैं कुछ सोचा ना समझा, बस बोलती ही गई। बस कीजिए। बस करूं लीला, जरा सोचो, इनकी वजह से बेचारा हेमल घर छोड़ के चला गया, उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं? हाँ आप, और सिर्फ आप ही नहीं, इस घर के सारे लोग, और सबसे पहले तो मैं। हाँ मैं भी आप सब लोगों के साथ होली। जो गलती हम लोग प्रवीण भाई के साथ कर चुके हैं, वही हम हेमल भाई के साथ भी दोहरा रहे हैं। बस पता चला कि किसी एक का कसूर है तो टूट पड़े सबके सब उसके ऊपर। तो ये लीजिए, बा का गुस्सा जायज है, लेकिन हमारे घर में एक अनकहा उसूल है कि जब भी कोई एक गुस्सा होता है तो बाकी सब उसे शांत कराते हैं, सामने वाले की बात, उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। इस बार तो जहां एक चला भेड़ की तरह, वहां सारे के सारे चल दिए। किसी ने सोचा हेमल भाई के बारे में सिवाय प्रवीण भाई के? गलती किससे नहीं होती है? हाँ अरे आपसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं, लेकिन क्या हमने कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार किया? तुम ये कहना चाहती हो कि इसमें सारा कसूर मेरा है? मैं कह रही हूँ कसूर हम सबका है। बा का कहा पत्थर की लकीर मान लिया, और अब सारा दोष बापूजी और बेबी बहन पे डाल रहे हैं। बंद कीजिए भाभी, आपस में झगड़ना बंद कीजिए और हेमल भाई को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर हेमल भाई को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बेबी बहन, मैं गुड़िया भाभी को क्या जवाब दूंगी? गुड़िया आ गई है, ये देखो, जो भी बोलना है स्ट्रेट बोल दो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।